नमस्ते भाई बहनों, मेरे लिए काफी रिक्वेस्ट आई है कि मैं हिंदी में योगा बनाऊं। मैंने काफी वीडियो बनाए इंग्लिश में और अब मैं ये योगा वीडियो बना रहा हूं अपने ही भाइयों के लिए ताकि सब लोग समझ सकें। और मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि बालों के ऊपर योगा बना के भेजूं, हेयर फॉल के लिए, बाल झड़ते हैं उसके लिए। तो जो प्रॉब्लम होती है बाल झड़ने की, ये होती है खाने पीने की प्रॉब्लम, कि सही नहीं खाते, टाइम भी नहीं खाते। और आजकल कितना जो केमिकल चल रहा है शैम्पू में, तेल में, उनमें तो काफ़ी केमिकल्स हैं, तो हमें ट्राई करना है कि उनसे भी बचे, क्योंकि वो भी एक मेन कारण होते हैं बाल झड़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बाल झड़ने की ये योगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे वज्रासना से। तो वज्रासना के लिए पैर फैला लीजिए, उसके बाद अपने पैरों को मोड़ें और दोनों पैरों को मोड़ के अपने पंजों के ऊपर बैठ जाएं। अब ट्राई करें कि आपका जो विक्टो है, बड़ा अंगूठा है, वो मिल रहा हो और आपकी नी में कोई प्रॉब्लम ना हो। नी, अगर आपको कोई नी में प्रॉब्लम आती है घुटनों में, तो आप कोई एक पिलो अंदर आपके पैरों के रख सकते हैं। उसके बाद हाथों को अपने घुटनों पर रखकर आंख बंद कीजिए और ध्यान लगाइए। 2 से 3 मिनट तक आप इस पोस्चर में बैठ सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, 5 मिनट 10 मिनट, जितना ज्यादा आप रोकेंगे, होल्ड करेंगे इस पोस्चर को, उतना ज्यादा फायदा आपकी बॉडी को होगा। ये पोस्चर करने से आपका संचालन बना रहेगा, खून का संचालन बना रहेगा और डाइजेशन, जो आपकी डाइजेशन क्षमता है वो भी अच्छी रहेगी, आपकी पाचन क्रिया है वो अच्छी हो जाएगी इससे। तो जो भी मिनरल्स, जो भी विटामिन हम लोग खाते हैं वो लग नहीं पाता शरीर को, तो जो बालों के लिए अच्छा है वो पाचन क्रिया के अच्छे होने से आपके बालों को नूरस मिलेगा। चलिए इसके बाद हम दूसरे पोस्चर के ऊपर जाते हैं, वो है कैट पोज, मार्जरी आसना। उसके लिए आप घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए, चेक कीजिए कि आपके घुटने हिप वाइड ओपन हो, आपके हिप के बराबर खुले हो घुटने। फिर हाथों को आप जमीन पर रखिए और चेक कीजिए कि शोल्डर, आपके शोल्डर और हाथ, तो आपके हाथ और ये पूरा शरीर एकदम सीधा होना चाहिए। फिर आप सांस भरते हुए आपके सिर को ऊपर उठाएं और पेट को नीचे दबाएं, सांस भर के ऊपर उठाइए सिर जितना भी हो सके और पेट को नीचे दबाइए, आपकी स्पाइन जो पीठ है वो मुड़ेगी। और फिर सांस छोड़ते हुए अपनी फेस को, अपने मुंह को, अपने चेस्ट को ले जाएं। फिर सांस भर के सिर को ऊपर करें और सांस छोड़ के बाहर। ये प्रक्रिया आप 5 से 10 बार कर सकते हैं, इससे आपका नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा। नर्वस सिस्टम अच्छा रहने से आपकी पूरी बॉडी अच्छी रहेगी, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है वही मेन आप है अपनी बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए। इसलिए नर्वस सिस्टम को अच्छा रखने, स्वस्थ रखने के लिए बहुत उपयोगी है ये पोज, ये आसना, इसको बोलते हैं मार्जरी आसना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैट पोज। चलिए तीसरा पोज करते हैं, उसको बोलते हैं अधोमुखासना और इंग्लिश में उसको बोलते हैं डाउनवर्ड डॉग। तो उसके लिए फिर से आप अपने हाथों को जमीन पर रखिए, इस बार आप अपने
पंजे को नीचे जमीन पर रखे और अपने हिप्स को ऊपर उठाइए और अपने सीने को जमीन की तरफ लेके जाइए, अपने शोल्डर को खुले रखें और जो कोशिश करें जितना स्ट्रेच हो सके उतना ही, अपने आपको ज्यादा टेंस नहीं करना है। अगर आप हील आपकी हील को नीचे नहीं रख पाते कोई बात नहीं, उनको उठाइए, आप शरीर को थोड़ा और नीचे झुकाइए ऐसे, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड डॉग पोज। इसको होल्ड कीजिए जितने भी मिनट हो सके और अपनी सांस प्रश्वास की क्रिया नॉर्मल रखें। आप एक 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 पैर करके ज्यादा स्ट्रेच भी दे सकते हैं, ऐसे करने से आपको आसानी रहेगी स्ट्रेच ज्यादा करने से। अगर आप दोनों पैरों को एक साथ स्ट्रेच करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा पेन देगा। फिर अपनी घुटनों को वापस लेके आइए। अब हम चौथा पोज करेंगे, वो है बालासना। तो दूसरा प्रॉब्लम जो हम हेयर फॉल होता है वो है कि स्ट्रेस की वजह से। तो ये जो पोज हम करने जा रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए अगर आप स्ट्रेस हैं। तो जब स्ट्रेस आप नहीं रहेंगे तो आपका हेयर फॉल भी बंद हो जाएगा। तो चलिए अपने पंजों के ऊपर बैठिए और आपको जो घुटने हैं थोड़े और खोलने हैं, फिर हाथों को नीचे ले जाके सांस भरिए और सांस छोड़ के पूरा नीचे जाइए, जितना नीचे जा सके और स्ट्रेच हाथ कर सके उतना करके अपने मस्तक को जमीन पे रखिए और रिलैक्स कीजिए। ये पोस्चर भी आप 5-10 मिनट तक रोक सकते हैं, जितना ज्यादा आप रोकेंगे उतना ज्यादा स्ट्रेस कम होगा। जितना ज्यादा स्ट्रेस कम होगा उतने जल्दी आपके बाल हेयर फॉल होने से थम जाएंगे। सांस भर के ऊपर आइए। तो ये बालासना आप रोक सकते हैं जितने भी मिनट आप चाहें, आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास 5 मिनट है कि 10 मिनट है। चलिए लास्ट पोस्चर, पांचवा पोस्चर करेंगे हम और वो भी आपको काफी फायदेमंद होगा आपके हेयर फॉल के लिए। तो अपने घुटनों के बल खड़े हो जाइए। पहले हम लोग करेंगे हाफ कैमल पोज, इसको कैमल पोज। तो कैमल पोज के लिए पहले हाफ करेंगे, सांस भर के राइट अपने दाएं हैंड हाथ को उठाइए और सांस छोड़ते हुए उसको अपने दाएं पैर पे टच कीजिए। फिर टच हो गया तो ठीक है, टच नहीं हुआ तो भी ठीक है। फिर दूसरे हाथ से करेंगे, तो अगर टच हो रहा है इसका मतलब आप ये पोस्चर इजीली कर सकते हैं। अगर ये टच नहीं होता, बहुत दूर होता तो ये पोज करना थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आप टच कर सकें आपके पैर को तभी ये पोज कीजिए। चलिए अभी हम ये पोज करेंगे। इनहेल, सांस भर के अपने दाएं हाथ को दाएं पैर के ऊपर लेके जाइए, फिर बाएं हाथ को, कोशिश कीजिए कि आप फुल कंट्रोल में रहें और इससे आप गिरे ना। फिर जब दोनों हाथ आपके पैर के ऊपर आ जाए तो हेड को पीछे लीजिए और अपनी सांस प्रश्वास की क्रिया नॉर्मल रखिए और अपने पेट को आगे की ओर खींचिए। फिर सांस भर के बाएं हाथ को लेके आइए आगे, फिर
दाएं हाथ को, और ये पोस्चर भी आप जितने मर्जी चाहे, जितना आपके पास टाइम हो उतना रोक सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, तो जो भी पोस्चर है आप कर रहे हैं आपको उतना ही रोकना है जितना आपके शरीर में कर सके। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और फिर भी आप रोके हुए हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी कि सो हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये 5 पोस्चर आप कीजिए एंड मैं आशा करता हूँ कि आपके जो हेयर फॉल है वो रुक जाएंगे। थैंक यू, नमस्ते, एंड मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये हिंदी वीडियो पसंद आएगा। नमस्ते। Thank you.